जैनी साहब, क्या आप ये बात मानेंगे कि आज अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत परमानेंट मेंबर होता तो इस जंग में जो कुछ हो रहा है वो हम नहीं देखते, आवाज बुलंद करते, एक्शन लेते, जो कि नहीं होता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त। और इस बात को बहुत गंभीरता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनजीए के मंच से उठाया भी था। जी समीर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट मेंबर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। नहीं है कि हमारा देश जितना हमारा ताकतवर है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितना हमारा पर कैपिटा रेशियो है, जितना हमारा एरिया है हमारे देश का, हमारा हक बनता है कि हम यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए परमानेंट मेंबर हो और पीछे की सीट पे बैठ के खाली आवाज दूसरों की ना सुने। ये तो चीन का वीटो है, चीन का, जो हमारे विरोध में आता है हमेशा। बाकी देश सारे सपोर्ट करते हैं, सारे डिप्लोमेटिक कंट्रीज हमको सपोर्ट करती है, सारी डेमोक्रेसी सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, ये चीन का ही विरोध है, ये चीन का ही विरोध है। चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और आतंकी मुल्कों के साथ खड़ा हुआ नजर आता है, ये बात अब दुनिया जान चुकी है। लेकिन कब यूएन में वो संगठनात्मक बदलाव होंगे, उसका भी इंतजार है सबको। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके न घर के न घाट के? क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी।